हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। रेस्पिरेशन एंड प्राणायाम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एनसीईआरटी से है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुका है, इसलिए ये याद रखना बहुत जरूरी है। क्या कि अलग अलग रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट जैसे कि लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उनका जब ऑक्सीडेशन होगा तो उनका फर्स्ट कॉमन इंटरमीडिएट कौन सा होगा? तो अगर मैं लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन तीनों को ऑक्सीडाइज कराता हूँ एक साथ, तो फर्स्ट कॉमन इंटरमीडिएट कौन सा है? एसिटाइल कोएंजाइम है। लिपिड और प्रोटीन तो एसिटाइल कोएंजाइम है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तो भी एसिटाइल कोएंजाइम है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर होगा तो क्या होगा? पाइरूविक एसिड होगा। याद करने का तरीका क्या है? जहां जहां आपका लिपिड होगा वहां वहां एसिटाइल कोएंजाइम करना है। तो देखो इन तीनों में क्या है, लिपिड है तो क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम होगा। लिपिड नहीं है तो क्या होगा? पाइरूविक एसिड होगा। इस तरह से आपको याद, होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू।